हजारों साल पुरानी सभ्यता का जन्मस्थान भारत, जहां बसती है खुशहाली और जहां पनपता है अपनापन। इसी मुल्क के उत्तरी राज्य हरियाणा में बसा हुआ एक छोटा सा गांव है मंढान। मंढान हरियाणा राज्य के भिवानी जिले में बसा हुआ है, जिसकी तहसील तोशाम है। उप जिला मुख्यालय तोशाम से 20 किलोमीटर और जिला मुख्यालय भिवानी से 45 किलोमीटर दूर है। गांव मंढान एक ग्राम पंचायत है। यहां लगभग 372 घर और कुल जनसंख्या 2000 के आसपास है। मंढान के लोगों की वेशभूषा काफी सरल और सभ्य होती है। उनकी पारंपरिक वेशभूषा उनकी संस्कृति और परंपरा दर्शाती है। मंढान गांव तोशाम विधानसभा और भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। भारतवर्ष एक प्राचीन परंपरा का स्थान रहा है, जिसकी जड़ें आध्यात्मिक गुणों से समृद्ध है। वही इस गांव ने अपनी श्रद्धा में आज भी इन परंपराओं को जीवित रखा हुआ है। हमारा गांव मनान एक बहुत ही धार्मिक आदर्श गांव है। इस गांव के अंदर जो लोग हैं उनकी जो नीति है वो धार्मिक अवस्था में बहुत ही जागरूकता के साथ है। और यहां पर दो मंदिर, एक श्री श्याम मंदिर मनान, जिसमें गांव वालों की या बाहर के यात्रियों की बहुत श्रद्धा है, आने जाने के लिए लोगों की तमन्नाएं पूरी भी होती हैं। और एक शिव मंदिर है गांव के अंदर, उसके अंदर भी लोगों का आने जाने का तत्व लगा रहता है। ये एक बहुत ही आदर्श और भविष्य के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है हमारे गाँव के अंदर। उत्तर भारत के लगभग हर गांव में धर्मशाला पाई जाती है। ये है मंढान गांव की मित्तल धर्मशाला। धर्मशाला का उपयोग गांव के सभी सार्वजनिक कार्यों जैसे कि शादी, त्योहार, उत्सव आदि के लिए होता है। धर्मशाला का अधिकतम उपयोग शादियों में होता है, जहां बारातियों के ठहरने की और उनके स्वागत की व्यवस्था की जाती है। गांव में आई लगभग हर बारात का स्वागत यही होता है। यहां कुछ देर विश्राम और जलपान करने के बाद ही बारात आगे वधु के घर की तरफ प्रस्थान करती है, और यही परंपरा आज भी चलती आ रही है। गांव में खुले में शौच के लिए जाने की प्रथा बरसों पुरानी है, जो कि कई रोगों और बीमारियों को खुला आमंत्रण है। भारत सरकार के अथक प्रयत्नों से खुले में शौच मुक्त गांव की संख्या निरंतर बढ़ रही है, जिसमें मंढान गांव भी 2016 में शामिल हो गया है। यहां के जागरूक मंढानवासी जानते हैं कि स्वच्छता, स्वास्थ्य और महिला सुरक्षा कितनी आवश्यक है।
ये है गांव का उप स्वास्थ्य केंद्र, जहां लोगों को निःशुल्क उपचार उपलब्ध किया जाता है। साथ ही नवजात शिशु और बच्चों को टीका भी लगाया जाता है। कोरोना के समय में उप स्वास्थ्य केंद्र ने पूरे गांव का टीकाकरण करने में मुख्य भूमिका अदा की थी। उप स्वास्थ्य केंद्र के पीछे ही गांव का आंगनवाड़ी केंद्र है, जो कि गांव में बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल और बच्चों को पूरक पोषण प्रदान करने का काम करता है। उन्नीसवीं सदी से खड़ी कुछ दीवारें आज भी मंडान गांव के इतिहास की साक्षीदार है। गांव में आज भी पुरानी हवेलियां देखी जा सकती है, जो लगभग 100 साल के इतिहास का साक्षात्कार हमें कराती है। इसके अलावा गांव के घरों का ढांचा शहरों की तुलना में काफी साधारण और खुला खुला होता है। घरों में बैठक या दरवाजा, वहां बिछी हुई खाट, छोटे छोटे कमरे और बड़ा आंगन। खुले आसमान के नीचे की वो छत, जहां से गली में अकेला खड़ा रहने वाला नीम का पेड़ भी आनंदमय नजर आता है। ऐसा खुला माहौल आज भी आप शहर से दूर गांव मंडान में आकर महसूस कर सकते हैं। वहीं गांव में कई जगहों पर आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके नई शैली के घरों का निर्माण भी हो रहा है। भारत में सबसे व्यापक सिंचन प्रणाली मध्यकाल में हुई थी और नहर सिंचाई की शुरुआत करने वाले पहले ज्ञात शासक थे फिरोज शाह तुगलक। उन्होंने नहर और अन्य बुनियादी ढांचे का सबसे बड़ा जाल बनाया था। उसी ढांचे का इस्तेमाल आज खेती उत्पाद आदि के लिए पूरे भारत में होता है। ये है मंडान का पंप हाउस नंबर 3, जहां से नहरों का पानी छोड़ा जाता है। यहां कुल 10 पंप है, जिसकी कुल क्षमता 460 क्यूसेक है। केवल हरियाणा की बात की जाए तो हर साल यहाँ 15.6 मिलियन टन कृषि उत्पादन होता है, जिसमें से सिंचाई के तहत खेती वाले क्षेत्र का प्रतिशत 87.6 है। उसी प्रकार मंडान गांव में भी नहर ही सिंचाई का मुख्य स्रोत है।
ये है गांव का जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जहां से पूरे गांव के लिए पीने का पानी सप्लाई किया जाता है। यूं तो कहा जाता है कि पृथ्वी का केवल 1% पानी पीने योग्य है। यदि देखा जाए तो उस 1% पानी में भी बैक्टीरिया, हानिकारक कण और वायरस होने की आशंकाएं होती है। इसलिए इस जल शुद्धिकरण केंद्र पर जल उपचार चरणों की श्रृंखला का उपयोग कर पानी को पीने योग्य बनाया जाता है और इस स्वच्छ जल को घर घर पहुंचाया जाता है। जहाँ शिक्षा के क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है, वहीं गांव मंडान भी उसी उन्नति में अपना योगदान पूरी निष्ठा से दे रहा है। यहाँ एक उज्जवल भारत के निर्माण के लिए सर्वोच्च शिक्षा विद्यार्थियों को दी जाती है। यहाँ विद्यार्थियों को वो हर संभव सुविधा दी जाती है जिसकी सहायता से उन्हें आगे बढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। यूं तो गांव की साक्षरता 2011 के राष्ट्रीय जनसंख्या जनगणना के हिसाब से 68.2 थी, जो कि सभी के योगदान और सहयोग से आज 2022 में काफी अच्छी और सराहनीय हो चुकी है। बच्चों का भविष्य उज्जवल करने में और उन्हें आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देने में यहां के शिक्षकों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। 2022 में हुई 10वीं कक्षा के परीक्षा में गांव की बेटी अमीषा महला ने 500 में से 499 अंक लाकर पूरे हरियाणा में अव्वल स्थान प्राप्त कर मंडान गांव का नाम रोशन किया है। सही कहा था आमिर खान साहब ने फिल्म दंगल में, म्हारी छोरियां छोरों से कम है के। मैं गांव मंडान से अमरचंद मास्टर 32 साल से गांव मंडान में शिक्षा दे रहा हूं। इस गांव में सभी बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी हैं और मैं सभी बच्चों को तन मन धन से शिक्षा दे रहा हूं। मैं सभी बच्चों का उज्ज्वल भविष्य के बारे में सोचता हूं कि यहां के बच्चे पढ़ लिख कर देश विदेश में शिक्षा के क्षेत्र में गांव मंडान का नाम ऊंचा करे। जहां पढ़ाई का अपना अलग महत्व है, वहीं बच्चों के मानसिक विकास के लिए खेलकूद भी उतना ही आवश्यक है। स्कूल की छुट्टी के बाद और शाम ढलने से पहले बच्चे गांव में अपने मनपसंद खेल खेलते दिखाई देते हैं। जहां कुछ बच्चे पीठू खेलते दिखाई देंगे तो कहीं अधिकांश बच्चों के हाथों में कंचे दिखाई देंगे।
पुराने जमाने का ये खेल शायद ही किसी ने नहीं खेला होगा। आज भी गांव में इन बच्चों को खेलता देख बचपन की काफी यादें ताजा हो जाती है। जहां बच्चों में कई खेल दिखाई देते हैं वहां बड़े बूढ़ों का एक खेल ही सब पर भारी पड़ता है। जी हां, ताश का खेल। यहां गांव में क्रिकेट, फुटबॉल, फीफा वर्ल्ड कप, आईपीएल से भी ज्यादा अगर कुछ मशहूर है तो वो है ताश का खेल, जो कि मनोरंजन का एक मुख्य स्रोत है। ताश खेलने का गांव में वैसे कोई समय नहीं होता। जहां मिल बैठते हैं दो यार तो तीसरे को भी बुला लिया जाता है और फिर ये खेल चलता है सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक। मनान गांव में दो किस्म की खेती होती है, एक खरीफ होगी एक रबी की, इसको देहाती भाषा में साड़ी और सामनी बोलते हैं। साड़ी की फसल होती है उसमें गेहूं, चना और सरसों मेन होती हैं। सामनी की जो फसल है उसके अंदर बाजरा, ग्वार, मूंग और कपास की फसल होती है। ये आमतौर पर जो साड़ी की फसल है वो अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है, जिसमें अक्टूबर के अंदर सरसों और नवंबर के महीने में गेहूं बोई जाती है। और जो साड़ी की इसकी सामनी की जो फसल है वो मार्च और अप्रैल में बोई जाती है, जिसमें मेन कपास ही होती है। फसल कोई भी हो, गेहूं हो, कपास हो, चना हो, चाहे बाजरा हो, सिंचाई का साधन सिर्फ नहर का और ट्यूबवेल का है।
जैसे ही सूर्य पश्चिम की ओर यात्रा आरंभ करता है और रोशनी अपने आप को हल्की सी चादर में समेटना शुरू करती है, यही वो संध्या का समय है जो आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। शाम होते ही ताजा सब्जियों की लॉरी आपको हर गली में दिखाई देगी, जहां शाम की अपनी सबकी अलग कार्य सूची होती है। कुछ लोग आपको सब्जियां लेते दिखाई देंगे, तो जिनके पास गाय भैंस है उनके यहां दूध निकालने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो वही दूसरी तरफ घर घर में खाना बनाने की तैयारी भी शुरू हो जाती है। गांव में गैस से ज्यादा चूल्हों का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे भी चूल्हे पे बनी रोटियों का स्वाद अपना अलग ही महत्व रखती है। इतनी लंबी दिनचर्या के बाद वक्त होता है घनघोर अंधेरे का। यहां लगभग रात 9 बजे के बाद आपको ये दृश्य दिखाई देंगे। गांव की जीवन शैली काफी अलग होती है। यहां लोग जल्दी उठ जाते हैं। रास्ते, गलियां, चौबारे आपको बिल्कुल सुनसान नजर आएंगे, क्योंकि रात में सभी जल्दी सो जाते हैं, कुछ को छोड़कर। रात के घनघोर अंधेरे के बाद सूरज का उजाला हमें ये संदेश देने हर रोज आता है कि कुछ भी स्थायी नहीं होता, ना सुख ना दुख और ना ही मनुष्य। दुख कितना ही गहरा क्यों ना हो, एक वक्त के बाद इसी अंधकार की तरह खो जाता है और हर सुबह के साथ जीवन फिर सुंदर हो जाता है। इसी मूल मंत्र को याद रख मंडानवासी हर सुबह एक नई शुरुआत करते हैं, एक नए जोश के साथ। मोर के कुहकने की आवाज के साथ ही सुबह की दिनचर्या शुरू हो जाती है। शास्त्र कहते हैं गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं, गौ माता की सेवा के लिए हम दान करें तो वही बात होगी। चलो सखी उस देश में और जहाँ कृष्ण का राज और नील भरे दर्शन करें, एक पंथ दो काज, यानी कि धर्म भी और कर्म भी। गौ माता की सेवा से और गौशाला के वाहन का आगमन होते ही हर कोई अपने घर से बाहर निकलकर दान पुण्य कमाता है। गांव में सारी सुख सुविधाएं भले ही ना हो, किंतु जीवन आवश्यक सभी वस्तुएं यहां उपलब्ध है। हर घर में लगने वाली सारी उपयुक्त चीजें यहां पर आपको दुकानों में मिल जाएंगी। केवल किराना सामग्री तक सीमित ना होके अब तो गांव में अन्य वस्तुएं भी उपलब्ध है, जैसे कि कपड़ा, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री आदि, जिनके लिए गांववासियों को
कुछ साल पहले तक 5-6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। समाचार पाने के लिए यूं तो कई साधन उपलब्ध हैं, अखबार, रेडियो, टेलीविजन। प्रभाव डालने को तो यूपी का बहुत अमीर का है। यूपी को नहीं पता मजाला कर रहे हैं वो। और आजकल तो मोबाइल में ही आपको सारी बातें घर बैठे पता चल जाती है। लेकिन इनसे भी तेज कोई समाचार आपको जानने हो तो फिर गांव में हुक्के पर चर्चा में आपका हार्दिक स्वागत है। यूं तो हुक्का हरियाणा की ही एक पहचान है, पर ये लोगों को एक साथ जोड़े रखने का जरिया भी है। मंडान, मेरा गांव मंडान। यहां भले ही उच्च कोटि की सुख सुविधाएं ना हो, पर सुकून है। शहर की भीड़ में जहां इंसान अपने आप को ढूंढ रहा है, वही मेरे गांव में आज भी अपनापन पनप रहा है। यहां इंसान मेहनत करता है और रात को चैन की नींद सोता है। मेरा मंडान मेरा अभिमान मेरा मंडान मेरी शान। हमारा मंडान हमारी शान। मेरा मंडान मेरी शान है। मेरा मंडान मेरा अभिमान। 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 ये गांव का माहौल, ये हरियाली, ये मंदिर, ये गलियां, ये रास्ते आपको क्या किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर ले? यहां का अपनापन, प्यार और एक अविस्मरणीय अनुभव चाहते हैं तो आइए, कभी आओ, पधारो हमारे मंडान में। आपका हार्दिक स्वागत है।